पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अवामी जमात है और आपको तारीख गवाह इस बात की कि जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी जलसे की कॉल देती है तो अवाम का एक बड़ा जम्मे गफीर होता है जो कि अपने कायदीन को सुनने के लिए आता है। तो आज तो 55वां योम तासीस है, 55वीं सालगिरह है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। जितने भी पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं, जियाले हैं, जो पीपल्स पार्टी से मोहब्बत करने वाले हैं, जो जमहूरियत से मोहब्बत करने वाले हैं, वो भी यहाँ पर आएंगे। मेरे भाइयों, सुकून सुकून, मुझे पता है आप लोगों का जोश देख के इमरान नियाजी की हिम्मत ही नहीं है कि सिंध में कदम रखे। इस शख्स ने सिर्फ झूठ बोले, ये लाडला बनते रहा, आवाम के सामने ये साबित करता रहा कि मैं बहुत शरीफ हूं, बहुत ईमानदार हूं, बहुत जानदार हूं। पहले नंबर का चोर निकला, पहले नंबर का चोर निकला। और पुराना चोर है, चंदे चोरी इसने किए, चंदे चोरी इसने किए, मनी लॉन्ड्रिंग इसने की, मुल्क के कौमी खजाने पे डाके इसने मारे, एमएनसी स्कीमें इसने ली, तोशाखाना के सामान बेच गया, घड़ी चोरी करते रहा। मैंने समझा एक घड़ी चोरी की है, वो एक एंकर ने बताया, नहीं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, घड़ी चोरी में भी हैट्रिक कर ली जाहिल के बच्चे ने। इस शख्स ने जो मुल्क के साथ किया है, इस शख्स ने जो मुल्क के साथ किया है, क्या बोलता रहा टीवी पे, दो दिन से नया बयान दिया, ये क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पे लोगों को तंग किया जा रहा है। और पीका का ऑर्डिनेंस कौन लेके आया था, पीका असेंबली से किसने पास करवाया था? अब तुम्हें फिक्र हो रही है सोशल मीडिया के वर्करों की, हमें फिक्र है सोशल मीडिया के वर्करों की। आज फरमाता है कि जी एफआईए लोगों को गिरफ्तार कर रही है, तुमने किस किस को नहीं गिरफ्तार करवाया? जो सियासी बयान इमरान खान के खिलाफ देता था, दूसरे दिन नैब का नोटिस आता था। जो भी इमरान खान के खिलाफ तकरीर करे, दूसरे दिन जेल में नैब उठा के ले जाए। तुम्हें कभी नैब के हाथ नहीं लगे, तुमने कभी 90 दिन के वो लॉकअप और रिमांड नहीं देखे, इंशाल्लाह जरूर देखोगे। इमरान का जिक्र ही नहीं करते लोग, बहुत जज्बाती हो गए इमरान का नाम सुनकर। तो भाइयों, हमें फखर है कि हम पीपुल्स पार्टी के जाले हैं, वर्कर हैं। पीपुल्स पार्टी के हर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो एमपीए हो, चाहे वो एमएनए हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर हो, चाहे वो यूसी का चेयरमैन हो, उनके दरवाजे हमेशा अपने भाइयों के लिए खुले होते हैं। चाहे हम जेल में हो या बाहर हो, हमारे घरों के दरवाजे इनके लिए हमेशा खुले थे, खुले हैं, मरते दम तक खुले रहेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी लीडरशिप, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, मोहतरमा फरियाद चांदपुर साहिबा और तमाम लीडरान की तरफ से आप सब लोगों को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का 55th यौम तासीस बहुत बहुत मुबारक हो। जिए भुट्टो, पाकिस्तान जिंदाबाद।
बावजूद कि जहां 55 साल के हम हुए वहां हमारे कायदीन ने कब्रिस्तान भी आबाद किया, लेकिन आज जिसको मजलूम बनना है वो भुट्टो का सहारा लेता है, जिसको अपना नाम पैदा कर रहा है वो भुट्टो का नाम लेता है, और जो सियासत में अवाम की बात करना चाहता है वो भुट्टो का नाम लेता है, और हम इसीलिए कहते हैं कि जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। हम मौजूद हैं यहाँ कराची के निश्तर पार्क में, जहाँ 55वां यौमे तासीस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मनाया जा रहा है। अब से कुछ देर बाद जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ खिताब करेंगे, और उसके अलावा पंडाल जो है इस वक्त भर चुका है, और पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स हैं बड़ी तादाद में मौजूद हैं झंडों के साथ, और यहाँ तराने बजाए जा रहे हैं। कराची के आवाम ने, कराची के तंजीम ने, कराची के अहदेदारों ने हमारा दिल जीत लिया है। हमने सैलाब की वजह से और सैलाब के नुकसान की वजह से ये फैसला किया था कि इस साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना यौमे तासीस सब एक जगह इकट्ठा होके नहीं बनाएंगे, हम अपने अपने जिले में डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मनाएंगे, और यहाँ इस तारीखी में आपसे खिताब करते हुए मैं
पाकिस्तान की मीडिया को मतलब खास तौर पर कराची को मीडिया का मीडिया को बताना चाह रहा हूँ कि ये मिस्टर पाक कराची के शहरों से भरा हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियालों से भरा हुआ है और इंशाल्लाह ताला इसी मैदान में बैठा हुआ एक जियाला इस शहर का आने वाला नाज़िम मुंतखब होगा। हम मौजूद हैं कराची के निश्तर पार्क में, जहां आपसे कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है वो ख़िताब किया है और उसमें अपने सारे सियासी जो हरीफ है ख़ासतौर पर इमरान खान साहब को ललकारा है और ये दावा भी किया है कि वो केपीके और पंजाब की हुकूमतें नहीं छोड़ेंगे। और उनका कहना ये था कि हम हर मैदान में उनका मुकाबला करेंगे, जैसे हमने कराची और मुल्तान की सीटें जीती हैं, अगले इलेक्शन में उनसे तमाम सीटें छीन लेंगे जो कि उनको सिलेक्टेड तौर पर मिली थी। मैं हूँ आसिम खान और आप देख रहे हैं स्पीड 92। मेरे साथ हैं कैमरा मैन अली।